नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए 18 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, बॉर्डर की तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमें 4 लाइन बनाना है। बॉर्डर की तरह हम 4 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब पांचवी लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर उनअपनी ओर करेंगे और 3 फंदे में उनअपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, 1 उनअपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, 2 उनअपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, 3। यहाँ पे 3 फंदों में हमने जाली देते हुए सीधा बनाया है, यानी यहाँ पे 3 से 6 कर लिया है। और अब उन अपनी ओर करेंगे और 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते जाएंगे, यानी यहाँ पे हमें 12 फंदों को 6 करना है। 1, 2, 3, 4 5, 6 और फिर 6 फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनना है। प्रत्येक फंदे के आगे हमें जाली देना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हमें 6 फंदे 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए 6 फंदा उल्टा बनाना है। ये 1 हुआ 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए, शुरुआत में हमने 3 फंदों में को जाली देते हुए सीधा बनाया है, फिर 12 फंदों को 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बनाया, यानी 12 से 6 किया है, और यहाँ पे 6 से 12 किया है। तो इसी तरह हमें 12 से 6 और 6 से 12 करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। जब हम 6 से 12 करते हैं तो सीधा बुन रहे हैं, यहाँ पे 12 से 6 कर रहे हैं तो उल्टा बुन रहे हैं। और शुरुआत में हमें 3 ही फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनना है। तो इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सातवीं लाइन और सामने से सातवीं लाइन पांचवी लाइन की तरह ही होगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदों में प्रत्येक फंदे के अंदर आगे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3। शुरुआत में हमें 3 फंदों में ही जाली देना है, फिर हम 2-2 फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और उल्टा बुनते जाएंगे। यहाँ पे हमें 12 फंदे को 6 कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगले 6 फंदे में प्रत्येक फंदे के आगे हमें जाली देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उन अपनी ओर करेंगे और 6 हम उल्टा फंदा बनाएंगे, 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए, यानी यहाँ जाले देने से जो फंदा बढ़ जा रहा है वो 2 फंदे को एक साथ लेने से घट जा रहा है, और जितने फंदे हमारे पास हैं उतने ही वापस हो जा रहे हैं।
फिर अगले 6 फंदे जाली देते हुए सीधा। तो हमें जाली देते हुए 6 फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाना है और 12 फंदे को दो दो फंदे को एक साथ लेते हुए उल्टा बनाना है। तो 6 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा, इस यही क्रम चलता जाएगा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 9th रो और सामने से नवा लाइन भी 5वां और 7वें लाइन की तरह ही बनाया जाएगा। 3 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर 6 फंदे को, फिर 6 फंदा दो दो फंदे को एक साथ लेते हुए उल्टा, फिर 6 फंदे को जाली देते हुए सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ग्यारहवीं लाइन और सामने से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम 4 लाइन और बनाएंगे, यानी 11, 12, 13, 14। तो इन चारों लाइनों में एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब ये डिज़ाइन का 15वां लाइन है और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर अगला दो फंदा एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदा एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 6 फंदे को 3 फंदा कर लिया है और अगला 6 फंदा हम जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, यानी प्रत्येक फंदे के पहले हमें ऊन अपनी ओर कर लेना है। ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा 3, ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा 4, ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा 5, ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा 6। यहाँ पे 6 फंदे में हमने जाली देते हुए सीधा बनाया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बनाते जाएंगे, यानी 12 फंदे को हम 6 फंदे कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 से 12 किया गया है, यहाँ पे 12 से 6। फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगा और अगला 6 फंदा जाली देते हुए सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगले 12 फंदे को हम 6 फंदे बना लेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा 1, 2, 3। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे को 12 फंदा कर लेंगे और 12 फंदे को 6 फंदा कर लेंगे, यानी जितना बढ़ रहा है उतना वापस घटता जा रहा है। शुरुआत में हम 3 ही फंदा बनाएंगे, यानी 6 से 3 करेंगे। यहाँ पे हमने उल्टा 3 से 6 किया था, इसी तरह शुरुआत में हम आधा फुल ही बनाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 17वीं लाइन और सामने से 17वीं और 19वीं लाइन, 17th और 19th दोनों एक 15वीं लाइन की तरह ही बनाया जाएगा। यानी शुरुआत में 6 से 3 फंदा करेंगे, यहाँ पे 6 फंदे को 3 फंदा करेंगे, दो दो फंदे को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए, फिर 6 फंदे को जाली देते हुए सीधा, फिर 6 फंदा दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा। देखिए 6 फंदा
दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा और छह फंदा जाली देते हुए सीधा, यानी छह से यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 से छह हो गया। इसी पैटर्न को दोहराते जाएंगे। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो 20 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बन के तैयार है। और फिर अब यहाँ से डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा, यानी अब इसके बाद से आप पहला लाइन फिर से शुरू कर देंगे और ये ऐसे बनता चला जाएगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आगे से ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।